नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्टर, जो कि हमारा ये वॉल फैन का स्टार्टर है। तो इसको हम लोग रिवाइंड करेंगे, जो कि इसका कोइल जल गया था। तो इसको रिवाइंड करने के लिए हमको स्टार्टर नाप लेते हैं कि कितना साइज है इसके स्टार्टर का। तो इसका स्टार्टर साइज आप लोग देख सकते हो कि इसके स्टार्टर साइज है 28 mm। देख सकते हो इसका 28 mm है मोटाई। और इसका इनर है 43 mm में है। देख सकते हो 43 mm में है। तो हम लोग इसमें 3 स्पीड को बाइंडिंग करेंगे, जो कि किट वगैरह नहीं लगाएंगे। 3 स्पीड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस कॉइल ही से निकलेगा। और इसमें हम लोगों को जो डाटा यूज होगा, तो वो देख लेते हैं क्या क्या डाटा यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें रनिंग का डाटा यूज कर लेते हैं, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग टैपिंग निकालते हैं, तो वो देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा कि हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं SWG रनिंग के लिए 34 नंबर। इसमें 2x2 सेट का कोइल डलेगा और इसमें टन डलेगा 400 टन। तो इसका लेंथ रहेगा 21 सेंटीमीटर और सेकंड कोइल का नाप रहेगा उसमें 26 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो भी है 28 सेंटीमीटर और 28 mm और 43 mm। इसमें कैपेसिटर लगेगा, 2.5 mFD का कैपेसिटर लगेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेगा, देख सकते हो। तो हम लोग इसमें वायर लपेट के रखे हैं, जो कि देख सकते हो। तो इसमें हम लोगों को छोटा वाला वायर है, एक बड़ा है, जो कि 2x2 सेट का कोयल डलेगा। तो इसमें 2 कोयल है हमारा, इसमें और इसमें 2 कोयल है। तो इसका कोयल का टन है 400 टन, 400 टन करके हम लोग इसमें टन डले हैं। तो इसका छोटे वाले का नाप है इसमें 21 सेंटीमीटर में है और इसमें 26 सेंटीमीटर में है लंबाई में। तो हम लोग इसमें कोयल डालते हैं, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं कोयल डाल के। तो हम लोग इसमें कोयल डालने के लिए सबसे पहले जो कि हम लोग स्पीड में निकालेंगे 3 स्पीड। तो इसमें ध्यान दे के बाइंडिंग करना है, नहीं तो फिर से हम लोग स्पीड निकालने में दिक्कत देगा, क्योंकि हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों को 3 स्पीड बढ़िया काम करता है, जो कि हम लोग पहले भी बाइंडिंग किए हैं तो उसमें स्पीड का कोई मसला नहीं आती है। 3 स्पीड अच्छे से काम करते हैं, 3 स्पीड ही अप डाउन होती है, रुकती नहीं है कहीं पर। तो हम लोग सबसे पहले राइट साइड लीड निकालेंगे। तो राइट साइड लीड निकाले 1 से लेके 4 तक, तो सॉरी 1 से लेके 6 तक। तो अंदर हम लोगों को 4 स्लॉट खाली रहेगा, 1 से लेके 6 स्लॉट में हम लोग वायर डालेंगे। तो हम लोग कहीं से भी इस्तेमाल इसको डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कोई सा भी 1 स्लॉट पकड़ के एक डाल देते हैं पहले। तो हम लोगों को राइट साइड नीड निकालेंगे, तो इसमें हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो इसमें हम लोग निकाल देते हैं लीड ऐसे करके, तो ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हो हम डाल देते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं। आसानी से डल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि जगह है इसमें, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में 3 स्पीड के लिए बाइंडिंग करते हैं। तो वो आप लोगों को दिखा देंगे अभी, जो कि इसमें बाइंडिंग करने के बाद आप लोगों को उसको भी डाटा दे देते हैं। तो देख सकते हो घुस गया इसमें। तो हम लोग बीच में 4 स्लॉट छोड़ देते हैं। तो 4 स्लॉट छोड़ने के बाद अब देखेंगे, 1 2 3 4, 4 स्लॉट छोड़ दिए, पांचवा में डलेगा। तो 1 से लेके 6 नंबर स्लॉट में हम लोगों को वायर डलेगा। तो डाल देते हैं 6 नंबर। तो 1 स्लॉट से लेके 6 स्लॉट में हम लोगों को ये वायर डलेगा। तो डाल दिया हमने, डल गया है, आसानी से डल जाती है। तो सबसे पहले इसको, इस कोइल को हम लोगों को अच्छे से स्लोपिंग करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोइल डलेगा। तो अच्छे से हम लोगों को स्लोपिंग करेंगे तो रनिंग, जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग कोइल डालेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं देगा। तो कोइल का फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें जगह जो उसको कैबिनेट लगती है तो उसमें जगह कम रहती है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं, अच्छे से स्लोपिंग नहीं करेंगे, तो वो हमारा बॉडी में लग सकती है। तो देख सकते हो ऐसे करके हम लोग फिनिशिंग कर दिए हैं, उसके बाद हमारा दूसरा सेट डलेगा। तो दूसरा सेट भी डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा सेट डाल के आप लोग दिखा रहे हैं।
तो देख सकते हो हमने इसमें डाल दी है कॉइल एक, ये हमारा आउटर हो गया। इस बार ये आउटर जाके इस इनर में घुसेगा, तो इस तरफ से हम लोगों को ऐसे करके घुसाना पड़ेगा। तो देख सकते हो कैसे करके घुसाते हैं हम लोग, जो ये छोटा वाला कोयल है तो इसके साइड हम लोग ऐसे करके लीड निकालते हैं, तो क्योंकि ये वाला लीड इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पहला लीड है और ये हमारा खत्म हुआ लीड है। तो ये हमारा लीड ऐसे करके घुसेगा, तो इस वाले एक छोड़ के यहाँ पे घुसेगा और यहाँ से एक छोड़ के यहाँ पे घुसेगा, अंदर हमारा चार स्लॉट खाली रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग घुसाते हैं इसमें, जो कि हमारा देख सकते हो ऐसे करके घुसा देते हैं, जो कि ऐसे करके हम लोगों को जो घुसेगा तो इसमें हमारा लीड इस तरफ रहेगा। ऐसे करके हम लोग घुसा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हो ये हमारा इनर हो गया, ये हमारा आउटर हो गया। तो इसके साथ ऐसे करके हम लोग इसमें ज्वाइंट कर देंगे, उसके बाद हमारा दो साइड में दो लीड निकल जाएगा। तो हम लोग इसे पहले ज्वाइंट कर देते हैं, देखते हैं ऐसे करके हम लोग एक्स्ट्रा ज्वाइंट मार देते हैं, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा कट करके निकाला हुआ वायर है, ज्वाइंट रहता तो ऐसे ही लग जाता है, ज्वाइंट नहीं लगेगा। तो देख सकते हो ऐसे करके हो गया। तो इसके बाद हम लोग ऐसे करके लीड डाल के वायर निकाल के राइट साइड लीड निकाल के कंप्लीट कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा इसमें कॉइल डाल दिए हैं, कंप्लीट कर दिए। तो इसमें हमारा दो लीड निकल गया, एक जो हमारा ये पहला लीड है, ये हमारा सेकंड वाला लीड है, जो नीचे से निकला है छोटा वाला कॉइल से वो हमारा फर्स्ट लीड है, और जो ऊपर वाला कॉइल से निकला है वो हमारा ख़त्म हुआ लीड है, जो कि हमारा लास्ट में निकला है। तो ऐसे करके हम लोग देख के रनिंग का कॉइल डालेंगे, स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे, सॉरी स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए हम लोगों को जो डाटा लगेगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों को जो डाटा लगेगा इसमें, तो स्टार्टिंग कॉइल के हम लोगों को डाटा लगेगा इसमें 35 नंबर वायर यूज करेंगे, SWG 35 नंबर लगेगा। इसमें कॉइल का सेट डलेगा 2x2 का 4 सेट कॉइल डलेगा, जो इसमें छोटा वाला कॉइल रहेगा उसमें टर्न डलेगा हम लोगों को 280, जो बड़ा वाला कॉइल रहेगा उसमें हम लोगों को टर्न डलेगा 610। तो इसमें लेंथ रहेगा कॉइल का 19.5 सेंटीमीटर और एक में 25 सेंटीमीटर। इसमें से हम लोग जो टेपिंग निकालेंगे, जो कि लास्ट वाले वायर से हम लोगों को टेपिंग निकालेंगे, तो उसमें हम लोगों को 230 टन लपेटने के बाद एक टेपिंग निकालेंगे, जो लास्ट वाले कॉइल में होगा, जो बड़ा वाला 610 टन में जो निकलता है उसमें से हम लोग जो टेपिंग निकालेंगे उसमें हम लोगों 230 टन में जो टन देने के बाद एक टेपिंग निकालेंगे, उसके बाद 430 टन में एक टेपिंग निकाल देंगे। इसके साथ जोड़ के ये 230 के साथ प्लस 200 करके 430 में हम लोगों को टेपिंग निकाल देंगे। तो और उसके बाद जितना बचेगा उस 610 के साथ मैच करके हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा वो। तो जो कि हम लोगों ने इसमें निकाल रखे हैं, दिखा देते हैं, जो कि हम लोगों को ये है कॉइल, जो हम लोगों का एक सेट हो गया, इसमें कोई टेपिंग नहीं निकला है। और जो हम लोगों को टेपिंग निकला है देख सकते हो, जो कि ये छोटा वाला में हम लोग टेपिंग नहीं निकला है, जो कि इसमें कट हो गया था, इसमें तो ज्वाइंट कर दिए हैं तो इसमें टेपिंग नहीं निकलेगा। तो इसमें हम लोगों को टेपिंग निकला है दो वाला देख सकते हो, जो कि एक है 230 टन में एक टेपिंग निकला है और इसमें 430 टन में हम लोगों को एक टेपिंग निकला है। तो उसमें हम लोगों को जो 430 टन में निकला है वो हमारा स्लो होगा, और जो 230 टन में निकला वो हमारा मीडियम होगा, और ये हमारा फर्स्ट होगा। तो जो कॉमन वायर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। तो हम लोग इसमें कॉइल डालते हैं, तो कॉइल डालने के लिए जो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, कॉइल डालने के ही वक्त हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं देंगे सही से तो हम लोगों को जो टेपिंग निकाले हैं वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है जो कि हम लोग फर्स्ट कॉइल कहाँ से डाले हैं। तो ये हमारा ख़त्म हुआ बड़ा वाला कॉइल से जो ख़त्म हो गया है वहाँ से डाले हैं। तो हम लोग जो यहाँ से डाले हैं देख सकते हो, जो कि इस वाले कॉइल में, तो ये हमारा फर्स्ट कॉइल हो गया। तो इसी के साइड में जो कि ए वाला कॉइल है, यहाँ से हम लोगों को लीड निकलेगा, जो कि इसमें से दिखाते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोगों को जो राइट साइड लीड निकाले थे वो हमारा लेफ्ट साइड लीड निकलेगा। तो ऐसे करके जो कि फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल के बीच में जो डलेगा तो हमारा कॉइल का पास ही में लीड निकलेगा, जो कि देख सकते हो, जो कि ए वाला कॉइल है लीड है, तो ये हमारा इस साइड निकलेगा, जो कि हमने पहले डाला था राइट साइड, इस तरफ निकाले थे, अब इस तरफ लीड निकालेंगे। तो इस तरफ लीड निकालने के लिए हम लोगों को इस वाले कॉइल के नीचे ही डालना है। तो देख सकते हो इसके कॉइल के नीचे हम लोग डाल देते हैं, डालने के बाद आप लोगों को दोनों कॉइल के सेट डाल देंगे, उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हो कि आसानी से डल गया है, इसमें दिक्कत नहीं देगा क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा नहीं है। उसके बाद उस वाले बड़े वाले कॉइल में हम लोगों को वायर ज़्यादा है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं देगा क्योंकि जगह है इसमें डालने के लिए।
तो देख सकते हो ये हमारा लीड निकल गया। तो ये हमारा फर्स्ट लीड था, ये भी हमारा फर्स्ट लीड हो गया। एक ही जगह है हमारा लीड निकला है, तो इसको हम लोग इसके साथ हम लोग मोड़ के रख देते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग रनिंग स्टार्टिंग बनाएंगे तो कॉमन करेंगे। हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा वायर कॉमन कर रहा है, क्योंकि वो नहीं देखेगा तो फिर लूप के टाइम में नहीं देखेगा तो आप लोग कॉमन कॉमन वायर में समझ में नहीं आएगा, फिर से आप लोगों को कॉइल बाइंडिंग नहीं होगा। जो कि थ्री स्पीड बनाएगा तो आप लोगों को वो थ्री स्पीड बनेगा नहीं। तो फुल वीडियो देखो अच्छे से, हम लोग ये वाला भी वायर डाल के दिखा रहे हैं, फिर पे कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो देख सकते हो हमारा लीड कॉइल डाल दिए हैं। तो कॉइल डालने के बाद हम लोगों को जो लीड निकला है, एक हमारा फर्स्ट वाला लीड, ये हमारा ऊपर वाला से लीड निकला है, तो ये अब हमारा इस तरफ घुसेगा, क्योंकि ये लीड हमारा इस तरफ घुसेगा, फिर से इस जगह से हम लोगों को लीड निकल जाएगा ऊपर वाले से। तो ऐसे करके हम लोग एक कॉइल कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद लूपिंग करेंगे। तो देख सकते हो हमारा इस लीड निकाल के कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि ये हमारा रनिंग का लीड है, दो रनिंग का, और जो हमारा दो स्टार्टिंग का लीड एरा। तो ये हमारा दो टेपिंग है, देख सकते हो, जो कि ये हमारा दो टेपिंग है, डबल डबल होगा, इधर से निकल के उधर से जाती है। तो ये हमारा दो टेपिंग हो गया, ये हमारा दो लीड हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों को कॉइल लपेट के कंप्लीट हो गया। इसमें सेपरेशन वगैरह डाल के बढ़िया से बाइंडिंग करके आप लोगों को लीड निकालने के वक्त दिखा रहे हैं हम। इसमें लीड निकालेंगे तो इस देखो बढ़िया से, क्योंकि इसमें गलती करोगे तो फिर से लीड निकलेगा तो गलत निकलेगा, तो बार बार परेशानी में पड़ेगा। तो आप लोग लीड निकालने के समय देख लेना वीडियो सही से। तो इसमें हम लोग कॉमन बना देंगे एक अंदर ही, और दो दो स्पीड का निकल जाएगा, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। तो हम लोग लीड निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हमारा कॉइल कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसमें हम लोगों को लीड निकला है दो रनिंग का, दो स्टार्टिंग का, और दो हमारा टेपिंग है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो टेपिंग वाले वायर हैं उससे, जो हमारा मीडियम स्पीड और लो स्पीड का है, वो कनेक्ट करेंगे। तो हमने पांच वायर लिया है यहाँ पे, एक कॉमन करेंगे, रेड वाले को कॉमन करेंगे, ब्लैक वाले के रनिंग करेंगे, ये वाले के स्टार्टिंग करेंगे, ये दो हमारा टेपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को टेपिंग वाले वायर को जोड़ लेते हैं। तो टेपिंग वायर हम लोगों कौन सा है, तो ये वाला हमारा टेपिंग है, जो कि एयर टेपिंग है। तो ये हमारा लो वाला स्पीड का टेपिंग है, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वायर को छीलने की ज़रूरत है, जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कर देंगे इसमें, तो जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, और जो एक और टेपिंग है वो भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा मीडियम स्पीड होगा, देख सकते हो। तो हमने मीडियम स्पीड के लिए कनेक्ट कर दिए। तो मीडियम स्पीड के लिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग कॉमन वायर जोड़ेंगे, जो कि जो हमने फर्स्ट फर्स्ट लीड निकाले थे वो दो लीड छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे से देखा होगा वीडियो में, तो वो वाला में दिखाएगा कि जो हमने फर्स्ट लीड डाले थे कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ से ख़त्म किए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लीड होगा वो दो लीड हम लोग छोड़ देंगे, और जो लास्ट में जो लीड निकला है वो दो लीड का हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे कॉमन कर लिए हैं, तो इसमें रेड वाले वायर हम लोग लगा लेते हैं कॉमन के लिए। मतलब कोई सा भी वायर लगाओ, अपना हिसाब से लगा लेना। हमने कॉमन के लिए रेड वाले वायर यूज किए करते हैं, तो हमने रेड वाले वायर कॉमन के लिए यूज कर लिए, और ब्लैक वाले वायर हम लोग रनिंग के लिए यूज करेंगे। तो रनिंग के लिए हम लोग ब्लैक वाले हैं, तो ये नीचे वाला वायर है, तो ये हमारा रनिंग का वायर है, तो रनिंग के लिए हम लोग ब्लैक वायर यूज करते हैं, जो कि रनिंग फर्स्ट फर्स्ट जो कॉइल निकला था उसमें हम लोग कैपेसिटर जुड़ेगा। तो ये हमारा रनिंग का कैपेसिटर वाला वायर है, जो कि ब्लैक में कैपेसिटर लगेगा, और येलो कलर में हम लोगों को कैपेसिटर लगेगा। तो येलो कलर ए रहा, तो ये भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। येलो कलर भी हम लोगों को कैपेसिटर में जाएगा, तो ये दो वाले वायर हम लोगों को कैपेसिटर में चला गया। आगे चला के भी दिखा देंगे कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारा कनेक्ट कर दिए हैं, तो अब हम लोग इसमें स्पॉट वेल्डिंग मारेंगे। तो देख सकते हो कि हमारा एक कॉमन वायर हो गया रेड वाले, और दो स्पीड का ये दो कलर हो गया, और एक कैपेसिटर का, और एक एक कैपेसिटर का। ये हमारा रनिंग का होगा, ये हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर होगा। तो ये हमारा दो हो गया, तो हम लोग इसमें स्पॉट वेल्डिंग मारते हैं। स्पॉट वेल्डिंग मारना सही है, सोल्डिंग से अच्छा स्पॉट वेल्डिंग मार देते हैं, जलेगा भी नहीं। ये मेरा बनाया हुआ स्पॉट वेल्डिंग है,
जो कि सस्ते में बन जाएगा, इसको डूलेंगे जो कि हो गया है। तो अब हम लोग इसमें स्लीपिंग वगैरह अच्छे से डाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छे से स्लीपिंग वगैरह डाल के इसको कॉटन से बांध देंगे, बांधने के बाद आप लोगों को इसमें दिखाएंगे, जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो लास्ट वाला दो वायर बचा होगा वही हमारा कॉमन होगा, जो पहले जो फर्स्ट फर्स्ट कॉइल डाले हैं वो दो वायर छोड़ के हम लोगों को जो लास्ट में वायर है वो हमारा कॉमन होगा। तो हमने इस कॉइल को बाइंडिंग करके कंप्लीट कर दिए हैं, जो लूप वगैरह निकाल के हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा दो मीडियम और लो का स्पीड का है, हमारा रेड वाले वायर कॉमन बनाए हैं और दो रनिंग का, एक ब्लैक कलर रनिंग का है, येलो कलर स्टार्टिंग का है। तो हम देख सकते हो कि इधर से भी घुसने के लिए अच्छी खासी जगह है और इस तरफ भी हमारा बहुत जगह है। तो फिटिंग करके दिखाते हैं आप लोगों को चला के भी, क्योंकि इसमें कितना जगह बचा है जो कि हम लोग बाइंडिंग किए हैं। तो हम लोग अब चला के दिखाते हैं। हमने जोड़ दिया है जो कि हमारा रेड वाले फर्स्ट स्पीड है, ए सेकंड, ए थर्ड। तो हम लोग देख लेते हैं चला के कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देख सकते हो कि हमारा ये फर्स्ट स्पीड में घूम गया है और सेकंड स्पीड में भी घूम रहा है कि नहीं देख लेते हैं। देख सकते हैं सेकंड में भी घूम रहा और थर्ड में भी हमारा घूम रहा। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड का कंट्रोलर अंदर से ही हो गया है वायर का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा हमारा चैनल को।